नमस्कार। हस्तकरघा उद्योग हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत उदाहरण है। कृषि के बाद हस्तकरघा उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है, जो भारत में सनातन काल से रोजगार पैदा करता आ रहा है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको हस्तकरघा उद्योग, इसके इतिहास और इसकी वर्तमान स्थिति से रूबरू कराएंगे। भारत का हथकरघा उद्योग अत्यंत विशाल होने के साथ हजारों साल पुराना भी है। इसके प्रमाण हमें रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक में मिलते हैं। कुछ पुरातात्विक अध्ययन यह भी बताते हैं कि भारतीय हस्तकरघा उद्योग लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इससे यह स्पष्ट होता है, पिछले 5000 सालों से देश में हस्तकरघा का इस्तेमाल कर अनेक कपड़ों के डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं, जिनका निर्यात विदेशों में भी होता है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश से हस्तकरघा वस्तुओं का निर्यात लगभग 1644.78 करोड़ रुपए था। हमारा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पश्चिम बंगाल से गुजरात तक विविध स्थानीय और क्षेत्रीय हस्तकरघा परंपराओं से भरा हुआ है, जिसकी मांग देश विदेश तक है। यहाँ की लेह लद्दाख और कश्मीर घाटी की पश्मीना, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और किन्नौरी बुनाई, पंजाब हरियाणा और दिल्ली की फुलकारी, उत्तराखंड की पंचाचूली बुनाई, राजस्थान की कोटा डोरिया, उत्तर प्रदेश की बनारसी सिल्क, बिहार की भागलपुरी सिल्क, मध्य प्रदेश की चंदेरी, महाराष्ट्र की पैठानी, छत्तीसगढ़ की चंपा सिल्क, झारखंड की तसर सिल्क, पश्चिम बंगाल की जामदानी, आंध्र प्रदेश की मंगलगिरी, तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत, कर्नाटक की उडुपी कॉटन, गोवा की कुनवी बुनाई, केरल की कुट्टमपल्ली, तमिलनाडु की अरनी और कांजीवरम रेशम, सिक्किम की लेपचा, असम की सुवाल कुची, अरुणाचल प्रदेश की आपातानी, नागालैंड की नागा बुनाई, त्रिपुरा की पचरा हैंडलूम भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात है। खादी हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने जो शुरुआत की थी, आज विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसकी कल्पना है कि हम किसी को बहुत धनवान तो इसमें नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक स्वाभिमान के साथ किसी को जीने का जो बना सकते हैं। हमारे यहाँ देश में विभिन्न स्थानों पर एक क्लस्टर टाइप से बहुत सारे हस्तकरघा द्वारा निर्मित कपड़े बनते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे बुनकर भाई और कारीगर आर्टिजन, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं, केरल से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और उससे विभिन्न तरह का उत्पाद करते हैं। कहीं मूंगा बनता है, कहीं एरी बनता है, कहीं कसर बनता है, कहीं कटिया बनता है, कहीं मटका बनता है, कहीं कॉटन चीज़ें बनती हैं। इतना ही नहीं, किसी ज़माने में गड्ढा खोन करके, आज भी बंगाल के इलाके में गड्ढा खोन करके लूम पर, लकड़ी के साधारण लूम पर लोग काम करते हैं। बाद में उसको और हाईटेक किया गया और बहुत तरह की लूमें आ गई, और उस पर उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। हस्तकरघा उद्योग का हमारी आज़ादी की लड़ाई से गहरा संबंध रहा है। गांधी जी ने हस्तकरघा उद्योग के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया था, जिसने अंग्रेजों की भारतीय हस्तकरघा उद्योगों को समाप्त करने की मंशा पर पानी फेर दिया था। सनातन काल से भारत में लोग चरखे का इस्तेमाल कर रुई और कपास से कपड़ा बनाया करते थे। यहाँ हर गाँव में बुनकरों की एक अलग समुदाय हुआ करती थी, जो चरखे जैसे छोटे उपकरणों का उपयोग कर गांव में रहने वाले लोगों के लिए हाथ से साड़ी, धोती, कुर्ता तथा अन्य पोशाक बनाया करते थे। हालांकि यह परंपरा अंग्रेजों के आने के साथ धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने देश में हस्तकरघा उद्योग को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में मशीन से तैयार होने वाला सूत लाया और यहाँ के बुनकरों को अपना उत्पादन बंद करने पर मजबूर कर दिया।
इसी वजह से देश के कई बुनकरों की आमदनी का जरिया खत्म हो गया, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे हथकरघा उद्योग को नुकसान होता चला गया और सिंथेटिक कपड़ों ने उसकी जगह ले ली। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से उस वक्त भारत सिर्फ कच्चे कपास का निर्यातक देश ही रह गया था। तब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वदेशी भावना के साथ स्वदेशी उद्योगों को लुप्त होने से बचाया। उन्होंने भारत के बुनकरों को अपना काम जारी रखने को कहा तथा देशवासियों से खादी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और भारतीय कपड़ों को बढ़ावा देने की अपील की। महात्मा गांधी ने प्रत्येक भारतीय को चरखे का उपयोग करने और अपना सूत काटने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप हर भारतीय ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और सड़कों पर अंग्रेजी कपड़ों का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के द्वारा दिए गए सिंथेटिक फाइबर को भी जला दिया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों के द्वारा बहुत सारी अंग्रेजी मिलें नष्ट कर दी गईं, जिससे उस समय भारत का हथकरघा उद्योग लुप्त होने से बच गया, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमारे देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन काल था। अंग्रेजों ने भारतवर्ष के ऊपर शोषण करना शुरू किया और यहाँ का जो कच्चा माल तैयार होता था, रुई धागा, वो सब अपना देश ले जाता था, इंग्लैंड ले जाते थे। और ये सब जब हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जब अपना बरेस्टी प्राप्त करके आए, उसके बाद में देखे कि हमारे भारतवर्ष के तमाम जनता के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि यहाँ का जो स्वदेशी वस्त्र जो तैयार होता है उसको ले जाता है अपना इंग्लैंड और वहाँ यहाँ के जनता के ऊपर शोषण किया जाता है। उन्होंने ये मुहिम चलाया, विदेशी वस्त्र को बैकआउट किया जाए और यहाँ अपने स्तर से चरखा और हैंडलूम के द्वारा वस्त्र महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाए। उसके बाद में पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। उसके बाद में यहाँ महात्मा गांधी ने ये अपना स्वदेशी वस्त्र तैयार करवाए चरखा के द्वारा, चरखा से धागा काट बनाओ और हैंडलूम से वस्त्र तैयार करो, स्वदेशी वस्त्र को अपनाओ और विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करो। ये जो सिस्टम था पूरे देश में लागू हो गया और महात्मा गांधी इस मुहिम में कामयाब हुए और यहाँ देश का उत्थान के लिए जो ये चालू हुआ हैंडलूम वस्त्र, आज तक वे चालू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1923 में खादी और हस्तकरघा को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय चरखा संघ का एक संगठन बनाया और ये संगठन आज़ादी के दिनों में जब हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश में एक आंदोलन का रूप था अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो ये हस्तकरघा उद्योग जो है एक हथियार के रूप में काम किया और इतना बढ़ावा उसको मिला कि हर घर में खादी, हर घर में हस्तकरघा का उत्पाद, हर घर में स्वावलंबी महिलाएं और सभी लोग इसके दीवाने हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय में जो इसकी शुरुआत हुई वो अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है और उन्हीं का देन है कि आज भी हस्तकरघा उद्योग पनप रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक इस उद्योग के विकास पर सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके कारण इस कुटीर उद्योग के कारीगरों को आर्थिक सुरक्षा मिली है तथा यह व्यवसाय स्वावलंबी बना है। वहीं आज़ादी के वक्त भारत में विदेशी आय का मुख्य स्रोत केवल कपड़ा व्यापार ही था, इस कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देना अति आवश्यक था। इसलिए हस्तकरघा उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने देश में अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की थी। साथ ही वर्ष 1985 में देश की संसद ने भारतीय हस्तकरघा अधिनियम को भी पारित किया था, जिसके फलस्वरूप हर काल में इस कौशल का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार हस्तांतरण
होता रहा है और हस्तकरघा उद्योग अनवरत ढंग से फलता फूलता रहा है। आज यह उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो लगभग 23.77 लाख हस्तकरघा के साथ 43.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। आजादी के बाद भारत सरकार ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का गठन किया, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, प्रत्येक राज्यों में हस्तकरघा विकास विभाग बना और उसके माध्यम से जो हमारे बुनकर भाई हैं वो उनके हाथ को कैसे और मजबूत किया जाए, सरकारी योजनाओं से कैसे उनको लाभ दिया जाए, इसलिए निःशुल्क लूम बांटना, निःशुल्क उसको उपकरण बांटना और उनके उत्पाद का मार्केटिंग कराना, MSME मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये दोनों बखूबी काम कर रहा है और आज भी कर रहा है। हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस का शुभारंभ किया है। ये इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए संजीवनी के समान है। ये दिवस उन्हें सम्मान के साथ नई संभावनाओं से भी जोड़ता है। हस्तकरघा उद्योग को और भी अधिक बढ़ावा देने और स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त 2015 को हर वर्ष राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की गई। उसके बाद से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने में भारतीय कपड़ा उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देना और उसकी सराहना करना है, जिससे देश में हस्तकरघा उद्योग के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैल सके और भारत की हस्तकरघा परंपरा को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा हस्तकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक संभावनाएँ सृजित की जा सके, जिससे हस्तकरघा कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और उसकी बेहतरीन कलात्मकता पर गर्व किया जा सके। वहीं हस्तकरघा के कुशल कारीगरों को सम्मानित करने और राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्योग के प्रति सम्मान जागृत करने हेतु कपड़ा मंत्रालय के द्वारा हर साल एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें बुनकरों को संत कबीर अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड और राष्ट्रीय मेरिट प्रमाण पत्र से नवाजा जाता है। आज हस्तकरघा उद्योग ने न केवल भारतीय बुनकरों को रोजगार मुहैया करवाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी दिलाया है। भारत सरकार का दिल्ली में प्रगति मैदान में एक मेला लगा था, उसमें भी हम लोग गए हुए थे। यहाँ हम लोग वस्त्र तैयार करते हैं, शूटिंग सटिंग जितना भी तरह का, कॉटन और पोलिस्टर धागों से मिश्रित वस्त्र तैयार करते हैं। हम लोग वहाँ गए तो हम लोग को भारत सरकार की तरफ से वहाँ रहने ठहरने हर कुछ का सुविधा वहाँ प्राप्त हुआ था और वहाँ का मेला जो वस्त्र सरस मेला था उसके अंत में हम लोग को वहाँ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त महीने में हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है और उसमें जो हमारे कुशल कारीगर हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी विभिन्न संगठनों द्वारा, हस्तशिल्प में काम करने वाले संस्थाओं द्वारा, खादी द्वारा, MSME द्वारा और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको राष्ट्रीय अवार्ड, राज्य अवार्ड, यहाँ तक कि बुनकरों को विदेशों में भी भेज करके उनको उत्पाद भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हस्तकरघा उद्योग से जहाँ महिला सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड में बुनकरों को प्रशिक्षण के साथ बुनकर सेड और बाजार भी मुहैया कराया जा रहा है, जो कि झारखंड के बुनकरों के लिए एक वरदान है। हस्तकरघा उद्योग से महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस उद्योग से 70% महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण हो रहा है।
तथा उनके कौशल का विकास भी हो रहा है। वहीं झारखंड में भी राज्य बनने के बाद से हस्तकरघा जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट, झारखंड खादी बोर्ड आदि जैसे संगठनों का गठन किया गया है, जिसके मदद से इन कारीगरों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ राज्य में कई जगह बुनकर शेड का निर्माण किया गया है। इन शेडों में निर्मित आकर्षक कपड़ों की प्रदर्शनी झारक्राफ्ट के शोरूम के साथ साथ विभिन्न मेलों में किया जाता है, ताकि देशी और विदेशी पर्यटकों को इन इकाइयों में निर्मित होने वाले उत्पादों की बारीकी, मेहनत और सुंदरता का ज्ञान हो सके, जिसके फलस्वरूप उनका रुझान इन उत्पादों के प्रति बढ़ सके। इसके अलावा झारखंड के हस्तकरघा उद्योग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में खादी पार्क का भी निर्माण किया गया है। माय नेम इज राहेला सदफ, आई लिव एट चुट्टू और मैं यहाँ की वीवर्स हूँ, बुनकर प्रशिक्षणार्थी हूँ, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं इस हस्तकरघा उद्योग से जुड़ी हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि हम यहाँ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ मेरा हो, रोजगार से जुड़ने का मेरा उद्देश्य है कि मेरा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, रोजगार से जुड़ के हम दो पैसा कमाएं और मेरा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, घर घर में जैसे कि सहयोग कर सके। और जब से हम लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसके बाद से हम लोग ट्रेनिंग जब से कर लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से हम लोग यहाँ काम करते हैं और काम करके मतलब एक दिन का प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग को 350 रुपया बिनता है, मिलता है मतलब यहाँ बुनाई करने के लिए। और इससे हम लोग का आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा स्थिति सुधार हुई है, क्योंकि पहले हम स्टूडेंट थे और स्टूडेंट में तो वैसा बहुत सारी दिक्कत होती थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन बाद में जब से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त किए, ट्रेनिंग के बाद हम लोग यहाँ काम सीखे और काम सीखने के बाद काम को कर रहे हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं तो उससे हम लोग को 2-4 पैसा आ रहा है, जिससे हम लोग आर्थिक स्थिति अच्छा सुधार हुआ है। और हम लोग पुरुषों के महिलाएँ भी पुरुषों से कदम में कदम बढ़ा के मतलब आगे चल रही है। देखिए, आर्थिक सामाजिक स्थिति में महिलाओं के आने से, महिलाओं को जोड़ने से जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं अधिक नौकरी में नहीं हैं, लेकिन वो स्वावलंबी बनाने के लिए आज विभिन्न तरह की योजनाएँ चल रही हैं, उसमें हस्तकरघा उद्योग भी है। तो अपने घर का संसाधन, बच्चों का देखभाल, अपना स्वयं का देखभाल, यहाँ तक कि उनके कपड़े वगैरह की कोई समस्या नहीं है, और इतना तो उपार्जित हो ही जाता है सब चीज़ जिससे उनका जीविका चल सके। और ख़ास करके महिलाएं इसमें 80% जुड़ी हुई हैं, सबसे बड़ी खासियत है। और ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई है जो जनजातीय क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में रहती हैं। केरला में जाएंगे तो इसमें तो 100% महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कश्मीर में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन झारखंड में भी बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ भगैया बहुत बड़ा सेंटर है, ऊंचाई का सेंटर है, चाईबासा का सेंटर है, क्योंकि हमारे यहाँ सिल्क का निर्माण होता है झारखंड में, और सिल्क में तसर यहीं का विख्यात है, ऊंचाई का तसर दुनिया में विख्यात है। और विभिन्न जगहों पर आज भी बहुत सारे हमारे सैकड़ों कारीगर जुड़े हुए हैं और अच्छे उत्पाद हो रहे हैं रेशम के, यहाँ तसर कटिया और रेशम के साड़ियाँ, ये सारे उत्पाद बनते हैं। भगैया जैसे इलाके में तो हमारे हजारों कारीगर वहाँ एक विलेज में, एक कस्बे में बसे हुए हैं, उसे गुड्डा के इलाके में, दुमका के इलाके में, बुल्हान के इलाके में भी हमारे बहुत सारे कारीगर इससे निर्भर हैं। और विभिन्न जिलों में भी कहीं भी अछूता नहीं है, अपलामू में मोटी दरी बनती है, तो हमारे कुल्हान और संथाल में सिल्क का उत्पादन होता है, कहीं कहीं काटन का भी काम होता है। हमारे देश का हस्तकरघा उद्योग निश्चित रूप से सबसे खूबसूरत उद्योग है, जो हमारी परंपरा के बेहद करीब है। जब हम हस्तकरघे से निर्मित कपड़े का एक टुकड़ा खरीदते हैं तो हम खुद को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के संपर्क में पाते हैं। साथ ही बुनकरों के द्वारा कपड़े के एक टुकड़े को बनाने के प्रयास और जुनून को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हस्तकरघा उद्योग ऐसे ही विकसित होता रहे, तो हमें उन कपड़ों का ध्यान रखना होगा जो हम अपने स्थानीय बाजार से खरीदते हैं, क्योंकि हम सस्ती गुणवत्ता वाले कपड़े सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वे चलन में हैं।
भारतीयों को वास्तविक में फास्ट फैशन पसंद है और समय समय पर सिंथेटिक फाइबर के सस्ते कपड़े खरीदना इसका प्रमाण है। लेकिन हस्तकरघा से निर्मित कपड़ों के बढ़ते लोकप्रियता और खूबसूरत डिजाइन के कारण अब बहुत से लोग इस टिकाऊ फैशन की वकालत कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो हमारे देश के हस्तकरघा उद्योग के चमकते भविष्य को दर्शाता है। ये जो हमारे हस्तनिर्मित हस्तकरघा के कपड़ा ही छोड़ दीजिए, जो कोई भी ग्राम उद्योग हो जो हाथ से बनाया जाता है, उसको उसका एक वस्तु जरूर साल में खरीदिए, उसके इस्तेमाल से आप खरीदेंगे कम, आप पुण्य के भागे बहुत अधिक बनेंगे, क्योंकि उससे किसी को रोजगार मिलता है और आपके भाई बहनों को मिलता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी को मिलता है, आपके समाज को मिलता है। और ऐसे निर्मित एक रुमाल खरीद लेने से अगर झारखंड के पूरे पॉपुलेशन में 3,30,00,000 रुमाल बिक जाए तो समझिए कि उससे हम कम से कम 5,000 आदमी को रोजगार देंगे सिर्फ रुमाल खरीदने। गमछा खरीद लिए तो समझ लीजिए कि आप 2,00,000 लोगों को रोजगार दे दीजिए। अगर आप एक कुर्ता पजामा बना लिए तो आप 1,00,00,000 तक पहुँच गए। भारत में हस्तकरघा उद्योग समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग के रूप में उभरा है। हस्तकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन का उपयोग कर जो उत्पाद तैयार करते हैं वो पूरे विश्व में अतुल्य है। आशा करते हैं हस्तकरघा उद्योग से जुड़ा हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।